हेलो टेक चार्जर्स, जियो 5G लॉन्च के बाद अब तक का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट क्या है? बीएसएनएल के फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स में भारी गिरावट आई है और इलॉन मस्क ट्विटर के वेरिफिकेशन बैज को अब चेंज करने वाले हैं। ऐसे कुछ कमाल के अपडेट आपको आज के बुलेटिन में मिलने वाले हैं, तो हर दिन की तरह बस लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जियो 5G से। लॉन्च के बाद अब तक का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट क्या है, लेकिन इस अनाउंसमेंट के पीछे पॉलिटिकल अप्रोच बताया जा रहा है, लेकिन जो भी हो आपकी राय नीचे बताइएगा। यानी कि 14-15 शहरों के बाद एक साथ गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जियो ने 5G लॉन्च कर दिया है। और इतना ही नहीं, एक और सौगात दे दिया है गुजरात के लोगों के लिए। 100 से ज्यादा स्कूल्स जो कि गुजरात ने इस समय आइडेंटिफाई किए हैं, वहां पर सीधे सीधे 5G नेटवर्क के साथ में उन स्कूल को डिजिटल किया जाएगा। यानी कि बच्चों को भी फायदा, बड़ों को भी फायदा और आपको इस न्यूज से भी फायदा ही फायदा। BSNL का 4G ना हुआ बीरबल की खिचड़ी होगी, जो कि पकने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ तो BSNL के हर महीने घटते हुए मोबाइल सब्सक्राइबर, तो बचा खुचा जो कारोबार था फिक्स्ड ब्रॉडबैंड का, अब वहां पर भी सेंध मारी हो गई है। ट्राई ने जो क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक BSNL के अब फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स भी घटना शुरू हो गए हैं। अब इस समय सरकार को और BSNL के जो ऑफिशियल मैनेजमेंट है उनको बहुत कठोर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि कंपनी का वर्चस्व मार्केट में बना रह सके। इलॉन मस्क ने ट्विटर टेक ओवर के बाद बहुत चाल सा मचा के रखा है। एम्प्लॉयज भी परेशान, यूजर्स भी परेशान और इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। 2 दिसंबर को अनाउंस कर दिया है कि जो वेरिफिकेशन टिक है उसमें कुछ बदलाव मिलने वाले हैं। ब्लू टिक तो एज इट इज रहेगा, लेकिन पेड और अनपेड और ऑफिशियल्स अकाउंट के लिए अब वो जो अलग से आपको टिक मार्क दिखाई दे रहा था ना, दो मार्क, वो नहीं होंगे, बल्कि उसमें टिक का कलर चेंज होता रहेगा, जैसे कि रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, XYZ जो भी होंगे 2 दिसंबर के बाद पता चलेगा। देखते हैं क्या अपडेट कमाल का निकल के आता है। एंट्री लेवल रेंज में वीवो ला रहा है Y02 इंडिया में। स्पेसिफिकेशन रेंडर टिप हो गए, 8,500 रुपए के अंदर अंदर इस फोन के प्राइस रहेंगे। मीडियाटेक का चिपसेट मिलने वाला है, सिंगल रियर कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का, साथ ही साथ 5,000 mAh की बैटरी और 3GB रैम के साथ में इस फोन को कंपनी मार्केट में उतारेगी। अगला अपडेट iPhone 15 सीरीज के बारे में है, जो कि इस समय डेवलपमेंट में है, लेकिन ऐसे रूमर निकल के आ रहा है कि Apple इस सीरीज में देने वाला है सॉलिड स्टेट बटन, जो कि आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, बस टच कर देने भर से उसके अंदर लगे हुए टैप्टिक इंजन आपकी कमांड को समझेंगे और फोन आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, हर न्यूज में आपको बताते रहेंगे क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं। वॉइस ने इंडियन मार्केट में अपने ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स 2 उतार दिए 1799 रुपए प्राइस में। इसमें टाइप सी आपको पोर्ट दिया गया है, सिंगल चार्ज करने पर 40 घंटे तक आपका सपोर्ट दे सकता है, साथ ही साथ 13mm का डायनेमिक ड्राइवर है और इसके अलावा आपको ENC टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी इसमें मिलेंगे। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो आज इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। लावा ने ब्लेज NXT 5G फोन लॉन्च कर दिया है, Helio G37 प्रोसेसर के साथ 5000 mAh की बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जिसमें कि 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है। 9,299 रुपए इसकी शुरुआती प्राइस कंपनी ने इंडिया में रखी है। फ्लिपकार्ट या आप लावा की वेबसाइट पर जाकर इस फोन को चेक कर सकते हैं, परचेज भी कर सकेंगे। और आखिर में बात करते हैं हेट स्पीच के बारे में। चाहे हम प्यार मोहब्बत की कितनी भी बात कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि सोशल प्लेटफॉर्म हेट स्पीच से भरा पड़ा है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप देख ले, थोड़ी सी गलती होने के बाद ताबड़तोड़ गालियां पड़ती हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने कंफर्म कर दिया है कि चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ये सब के सब फेल हो गए हैं फ्लैज करने में। यानी कि जो भी कंप्लेंट आती है उसमें से जो पहले 49.4% फ्लैज होती थी, अब उसमें से और गिर के 45% के आसपास रह गई है। यानी कि साल दर साल, महीने दर महीने इन प्लेटफॉर्म्स पर हेट स्पीच बढ़ती ही जा रही है। आपको क्या लगता है, जो इंडिया में डिजिटल इंडिया लॉ आने वाला है, क्या वो इन चीजों पर सख्त हो पाएगा? नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों यही पर करते हैं आज के एपिसोड की समाप्ति। कैसा लगा नीचे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह की वीडियोस के साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।